प्रीवियस क्लास में जो कीबोर्ड का स्टेप पढ़ाया गया था, आज के क्लास में वो स्टेप आगे बढ़ाया जाएगा। इस स्टेप में पेज अप एक टॉपिक है, ये वर्क कैसे करता है। आप अखबार देखते हैं तो अखबार की जो लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। जब हम लेटर को अखबार नज़र नहीं आ रहा, पेज नीचे आ चुकी है, लिखावट ऊपर है, तो अब हमें ऊपर देखना हो तो फिर हम, लेकिन कंप्यूटर में अगर एक पेज है और उस पेज में कुछ लेटर इंसर्ट होती जा रही है काफ़ी वन बाय वन, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लेटर नीचे आने के क्रम में ऊपर लेटर छिप रही है। तो हम चाहते हैं कि अब जब ये पेज की लेटर नीचे नज़र आ रही है, ऊपर छिप गई, तो हम ऊपर दिखाई दे। पेज अप जो एक डायग्राम के रूप में देख रहे हैं, ये डायग्राम करता है, यानी अभी आपने नीचे का स्लॉट देख रहे हैं, तो जो ये नीचे का जो स्लॉट, ये स्लॉट जब ऊपर का देखेंगे तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे पेज अप। तो पेज अप की वजह से पेज का ऊपरी पोर्शन नजर आएगा, और जब हम पेज के नीचे के ऑप्शन को देखना चाहेंगे, नीचे के लेटर को देखना चाहेंगे, तो हम इसी अपोजिट में पेज डाउन का इस्तेमाल करेंगे। डाउन शब्द बोलने ही से पता चल रहा है नीचे की ओर, और अप शब्द बोलने से पता चल रहा है ऊपर की ओर। तो ये अप और डाउन के कॉम्बिनेशन में पेज का शब्द आया, यानी जब भी ये वर्क करेगा पेज अप और पेज डाउन, तो हमेशा एक पेज पे करेगा। पेज की लेंथ को नीचे दिखाएगा तो पेज डाउन कहलाएगा, पेज की लेंथ को ऊपर दिखाएगा तो पेज अप कहलाएगा, पेज के साथ वर्क करेगा। अगर पेज ओपन नहीं होगी तो पेज अप कीबोर्ड में कोई वर्क नहीं करेगा, आप परेशान रहेंगे कि ये पेज अप काम क्यों नहीं कर रहा, पेज डाउन काम क्यों नहीं कर रहा है। इसी चीज को समझाने के लिए अगर आप नॉर्मल स्टेप की तरफ हम रवाना हो, तो जो आँख के अंदर रेटिना हमारी है, वो रेटिना रोशनी की वजह से देखती है, और जब रोशनी नहीं होगी तो आँख से मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, यानी आँख रोशनी की वजह से देखती है। उसी तरह पेज आप पेज की वजह से काम करता है। अगर पेज नहीं खुली होगी तो ना पेज अप काम करेगा ना पेज डाउन। तो पेज को खुलने के बाद ये पेज अप और पेज डाउन वर्क करता है। क्लियर हो गई? आगे का जो स्टेप है, नम लॉक। नम लॉक दो शब्द एक की में लिखी है, एक की जिसका नाम नम लॉक। पता चला कि नम का पूरा नाम होता है नंबर, और लॉक शब्द से पता चला ताला, यानी नंबर की में दो वर्क आउट होती है। नम लॉक में कितनी वर्क है? दो। नम लॉक ऑन रहने पर, नम लॉक ऑन रहने पर नंबर लिखाता है। जैसे ये एक पेज है और कीबोर्ड में नम लॉक ऑफ है, क्या है? तो जब नम लॉक ऑफ रहती है तो आपका एक भी नंबर वर्क नहीं करेगा, ये जो नंबर है ये वर्क नहीं करेगा।
बटन प्रेस करेंगे नंबर वर्क नहीं करेगा। जैसे ये नम लॉक है, ये ऑन रहेगा तो यहाँ आपका नंबर शो करेगा, ये फर्स्ट ब्लिंक यानी ये जो लाइटिंग का जो नज़र आ रहा है, ये नम लॉक ऑन रहने पे लाइटिंग नज़र आएगी, ऑफ रहने पे ये लाइट बंद हो जाएगी। जब ये बंद रहेगा तो ना ज़ीरो काम करेगा, ना वन काम करेगा, ना टू काम करेगा, और उसी में अलग से एक की इंसर्ट है। जैसे ज़ीरो के साथ इंसर्ट है, वन के साथ इंड है, टू के साथ डाउन एरो है, थ्री के साथ पेज डाउन है। तो पता ये चला कि नम लॉक ऑफ रहने पर जो नंबर का की है वो वर्क नहीं करेगा, उसके साथ जो नाम है वो वर्क करेगा। नम लॉक ऑफ रहने पर जो ये 0 to 9 नंबर है सिर्फ वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन एक की में जो दूसरा नाम है वो वर्क करेगा। जब ये फिर ऑन होगा, कौन ऑन होगा, नम लॉक, ये जो नम लॉक है जब ये ऑन होगा तो फिर दूसरा की काम नहीं करेगा बल्कि 0 to 9 काम करेगा। ये नंबर लॉक समझ आ गई। नम लॉक 0 to 9 के लिए वर्क करती है। अगर ऑन है तो 0 to 9 आप लिख सकते हैं पेज में, अगर ये ऑफ है 0 to 9 आप लिख नहीं सकते, जो अलग नाम है वो वर्क होगी। इनके बगल में जो ये है ये स्पेशल कैरेक्टर है, क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसको ऑन और ऑफ से कोई मतलब नहीं क्योंकि नंबर लॉक अलग है, उनके बगल में ये लोग अलग हैं, ये तो स्पेशल कैरेक्टर है, ये ऑन ऑफ से कोई वर्क नहीं है। ये ऑन है तब भी लिखाएगा स्पेशल कैरेक्टर, ऑफ है तब भी ये वर्क करेगा। यानी ये तय हो गई कि नम लॉक ऑन है तो 0 to 9 नंबर लिखाएगा, नम लॉक ऑफ है तो 0 to 9 नहीं लिखाएगा बल्कि इसमें जो अलग से की है वो वर्क करेगी। इनके बगल में जो सिंबल है वो ऑन में भी लिखाती है, ऑफ में भी लिखाती है। यहाँ तक ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक की जिसका नाम है पाउज ब्रेक, क्या नाम है, पाउज ब्रेक। ये पाउज ब्रेक क्या वर्क करती है, तो अगर इसको देखा जाए पाउज को, पहले जब कंप्यूटर में गेमिंग का ज़माना था तो पाउज ब्रेक का यूज़ काफ़ी होती थी। अब पाउज ब्रेक का यूज़ कीबोर्ड में नहीं के बराबर होता है। पाउज ब्रेक का उपयोग अब कीबोर्ड में वर्कआउट नहीं करता, लेकिन अभी भी कीबोर्ड में वो की अवेलेबल है। जैसे इस संसार में तारा है लेकिन तारे का वर्क आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तारा है, आप तारे से समझना चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है कि तारा हमें क्या वर्क दे रहा। इसी तरह ये पाउज ब्रेक है लेकिन आप अभी 0 लेवल है, कंप्यूटर के फील्ड में आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स में ये पाउज ब्रेक जो की है एक कीबोर्ड में वो वर्क आपको नहीं समझ आएगा। कोई ऐसा वर्क हो जिसमें शायद ये यूज होता होगा। पाउज ब्रेक के बाद दूसरे की है जिसका नाम है स्क्रॉल लॉक। कौन सा लॉक, स्क्रॉल लॉक। ये स्क्रॉल लॉक जो है, इनके बाद जो की है ये स्क्रॉल लॉक की, ये स्क्रॉल लॉक, ये भी एक लॉक है। लॉक का हिंदी जबान ताला, तो स्क्रॉल लॉक स्पेशल एक्सेल के लिए है। किसके लिए है, एक्सेल के लिए। अगर आप एक्सेल के पेज में इंसर्ट हो, ये एक्सेल का एक पेज है जिसमें ए कॉलम, बी सी डी ई, और यहां से एक एक करके रॉ इंसर्ट है, अगर आप चाहते ये जो जिसमें ये इस सेल में
B1 सेल में एक लिखावट है, C लिखावट है। हम चाहते हैं कि A और B और जो ये C कॉलम नजर आ रहा है वो ABC कॉलम छिप जाए, ABC कॉलम छिप जाए। इसको छिपाने के लिए स्कोरल लॉक को ऑन करना होगा। क्या करना होगा? ये स्कोरल लॉक एक्सेल में वर्क समझाता है। एक्सेल का पेज नहीं खुला होगा तो फिर स्कोरल लॉक का भी वर्क आपको समझ नहीं आएगा। ये क्या करेगा, जब आपने स्कोरल लॉक को ऑन कर रखा, किसको स्कोरल लॉक को ऑन कर रखा एक्सेल में, आपने A1 में कुछ लेटर लिखा, B1 में कुछ लिखा, C1 में आपने कुछ लिखा, आप चाहते हैं कि ये A वाला छिप जाए, B वाला छिप जाए, C वाला छिप जाए और D प्रारंभ से बने, तो आप कीबोर्ड में जो एरो है, आपने राइट एरो को मूव किया तो आपका 1 छिप गया, फिर राइट एरो दबाई तो B छिप गई, फिर राइट एरो दबाई तो C छिप गई, तो ये जो D है आपका प्रारंभ से हो गया। D के बाद E बनेगी, F बनेगी, G बनेगी, H बनेगी, यानी स्कोरल लॉक की वजह से आपका सेल छिप रहा है। स्कोरल लॉक ऑन रहने की वजह से सेल को छिपाया जा रहा है। जब आप स्कोरल लॉक को ऑफ कर देंगे तो ये एक्टिव सेल का कर्सल 1x1 आगे भागेगा, वो सेल नहीं छिपाएगा। क्लियर हो गई? स्कोरल लॉक का वर्क कहाँ हो रहा है? एक्सेल के लिए। और इसके बाद कीबोर्ड में एक ऐसा नाम है जो सबसे बेहतर वर्क करता है, जिसका नाम है प्रिंट स्क्रीन। क्या नाम है? प्रिंट स्क्रीन। आज के कीबोर्ड का लास्ट स्टेप जिसका नाम है प्रिंट स्क्रीन। ये प्रिंट स्क्रीन क्या वर्क करता है, बोलने ही से पता चल रहा है। प्रिंट स्क्रीन यानी आप जिस चीज को डेस्कटॉप पे ओपन कर रखते हैं, यानी प्रिंट स्क्रीन का वर्क है जब आपके स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम खुली हो, चाहे वो पेज की शक्ल में हो या डेस्कटॉप ही ओपन हो, उनका कॉपी का वर्क करता है। क्या काम करता है? कॉपी का वर्क। आप MS Word खोले, आप चाहते हैं कि ये MS Word को कॉपी करना हो पूरी स्क्रीन को, तो पूरी स्क्रीन को कॉपी का काम प्रिंट स्क्रीन करेगा। फोटोशॉप ओपन है, आप चाहते हैं कि फोटोशॉप का पूरा डायग्राम कॉपी हो जाए, फिर भी ये कौन वर्क करेगा? प्रिंट स्क्रीन करेगा। ये बात समझ आ गई? प्रिंट स्क्रीन पेज पे जो भी चीज़ ओपन होती है उसको कैप्चर करता है, कैप्चर करने का काम प्रिंट स्क्रीन। आज कीबोर्ड का पूरा वर्णन समाप्त हो गई। तो कीबोर्ड के अंदर पूरी वर्क को देखने के बाद ये पता चला कि ये कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर सबसे वर्क उपयोगी है। इस की के अंदर एक से एक ऑप्शन हम लोगों ने देखा, सबका वर्क अपनी जगह पे अलग अलग है। कीबोर्ड के अंदर स्पेस बार का काम अपना अलग है, इंटर बटन का काम अपना अलग है, शिफ्ट का काम अपना अलग है, यानी पूरी की के अंदर सबका वर्क अपनी जगह अलग अलग है। इसके लिए आप इस कीबोर्ड को इस तरह से ग्रहण करें कि जब आप किसी भी वर्क पे जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कीबोर्ड का यूज़ आप पाएंगे, क्योंकि कीबोर्ड कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है। आज के क्लास के लिए यही इस चीज़ को समाप्त की जाए। आपका कीबोर्ड पूरी तरह से क्लियर कर दी गई। अब जब नेक्स्ट क्लास चलेगा तो उसके अंदर माउस का वर्णन बताया जाएगा कि माउस किस तरह से वर्क करती है। मानव शरीर के लिए जिस तरह हाथ की ज़रूरत है, उसी तरह कंप्यूटर के वर्क को जानने के लिए कंप्यूटर का ये हाथ है। आप जिस तरह से हाथ के इतने कलाकार रहते हैं कि हर लोग हाथ का कारीगर होता है,
जैसे खाना पकाने के लिए इस हाथ की ज़रूरत है, कंप्यूटर चलाने के लिए भी इसी हाथ की ज़रूरत पड़ रही है, हाजाम को दाढ़ी बनाने के लिए भी इसी हाथ की ज़रूरत पड़ रही है, एक स्क्रिप्ट लिखने वाले को भी इसी हाथ की ज़रूरत पड़ रही है, एक जज को सिग्नेचर करने के लिए भी इसी हाथ की ज़रूरत पड़ रही है। पता चला कि इस हाथ के अंदर इतनी ज्ञान है, इसकी कोई और अंत नहीं। उसी तरह इस कीबोर्ड में इतनी शॉर्टकट की है कि इस शॉर्टकट की का अंदाज कोई लगा नहीं सकता। जितनी भी गहराई इस कीबोर्ड के अंदर है और अंत नहीं। आज तक इसकी प्योरिटी की राज कोई नहीं जान सका। यानी किसी ने कंट्रोल के साथ 100 कीबोर्ड शॉर्टकट की को याद रखा तो किसी ने 101 की को याद रखा। यानी इस की का कोई मालिकाना हक नहीं है। संसार में जितनी भी कीबोर्ड की शॉर्टकट की उसका कोई और अंत नहीं। कुछ ना कुछ प्रयोग से कोई शॉर्टकट की का कोई अलग मीनिंग हो जाता है। यानी हर पेज में इस कीबोर्ड का वर्क अलग है। जब ये हाथ ग्लास को उठाता है तो यही हाथ किसी को कलम भी उठा के देता है, ये हाथ किसी को किसी और कार्य के लिए देता है। आज के क्लास के लिए यही वर्णन समाप्त की जा रही है, क्योंकि कीबोर्ड के अंदर बहुत सी उपयोगी बात आपको बताई गई। क्लियर है आज का टॉपिक फाइनल।